अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। खास बात यह थी कि बर्फ में पहने जाने वाले कपड़े और साजो सामान सेना के पास 12 अप्रैल की रात को ही पहुंचे थे। दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान जंग में सीधे टकराव की यह एक पहली घटना थी। इसे ऑपरेशन मेघदूत का नाम दिया गया और इसने भारत की सामरिक रणनीतिक जीत की नींव रखी। सियाचिन की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि भारत की तरफ से सियाचिन की खड़ी चढ़ाई है और इसलिए ऑपरेशन मेघदूत को काफी मुश्किल माना गया था, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये ऊंचाई काफी कम है। उसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मात दी। इसलिए दुनिया भर की जो सफल लड़ाइयां हुई हैं उनमें ऑपरेशन मेघदूत का नाम भी आता है। ये अपनी तरह का एक अलग ही युद्ध था जिसमें भारतीय सैनिकों ने -60 से -70 डिग्री के तापमान में सबसे ऊंची पहाड़ियों पर जाकर फतेह हासिल की थी। पाकिस्तान के लिए हार काफी शर्मनाक थी। बात उस समय की है जब खुफिया एजेंसी रॉ को एक टिप मिली। किससे? लंदन की एक कंपनी से। ये कंपनी आर्कटिक गियर बनाती थी। आर्कटिक गियर उन कपड़ों को कहा जाता है जो अत्यंत बर्फीले इलाकों के लिए जरूरी होते हैं। इंडियन आर्मी अपने लिए आर्कटिक गियर उसी कंपनी से खरीदती थी। रॉ को ये पता चला कि पाकिस्तान भी उसी कंपनी से यही आर्कटिक गियर खरीद रहा है। रॉ ने ये टिप इंडियन आर्मी तक पहुंचाई। '77 में जर्मनी से पर्वतारोहियों की एक टीम आई थी। इंडिया की तरफ से सॉल्ट टोरो रेंज पर ट्रैकिंग की इजाजत लेने के लिए ये लोग कर्नल बुल कुमार से मिले। कर्नल कुमार हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के कमांडिंग ऑफिसर थे। जर्मनों के पास जो नक्शा था उसमें NJ 9842 से कराकोरम पास तक का हिस्सा पाकिस्तान का बताया जा रहा था। इसमें सियाचिन का हिस्सा भी शामिल था। सितंबर अक्टूबर 1983 में इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान सियाचिन में अपनी आर्मी भेजने की तैयारी कर रहा है। उसने बुर्जिल फोर्सेस के नाम से एक टुकड़ी तैयार की थी जिसे सियाचिन पर कब्जे के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब एक ही रास्ता बचा था, इंडिया को अपनी तैयारी से दुश्मन के वार को बेअसर कर देना था। बर्फ की हुकूमत वाले उन इलाकों के लिए जरूरी सामान चाहिए था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लेफ्टिनेंट जनरल PN हुन को इस इक्विपमेंट के लिए यूरोप भेजा। वे एक सप्लायर से मिले लेकिन उसने दूसरे सप्लायर का नंबर दिया क्योंकि पहले सप्लायर के पास 150 इक्विपमेंट के ऑर्डर पहले से ही थे। ये ऑर्डर पाकिस्तान का था। अब लड़ाई आर पार की थी। ब्रिगेडियर चन्ना की रणनीति थी कि दुश्मन को मौका देने से पहले कार्रवाई कर देनी चाहिए। अप्रैल के महीने में भारी बर्फबारी होती है, उस मौसम का सामना करना आम इंसानों के बस की बात नहीं है। आर्मी ने ऑपरेशन के लिए वही वक्त चुना। इधर कर्नल कुमार के नेतृत्व में जवानों की ट्रेनिंग चल रही थी। लद्दाख स्काउट्स और कुमाऊं रेजिमेंट के जवान इस अभियान के लिए तैयार किए जा रहे थे। जब इक्विपमेंट आने में देरी हो रही थी उस वक्त जवानों से पूछा गया था, क्या आप बिना सही कपड़ों के ऊंचाई वाले इलाकों में जाएंगे? सबने एक स्वर में कहा, यस सर। 12 अप्रैल 1984 शाम 5 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर उतरा। हेलीकॉप्टर में थे लेफ्टिनेंट जनरल PN हुन के द्वारा लाए गए इक्विपमेंट। ये सामान पहुंचते ही ऑपरेशन को हरी झंडी दिखा दी गई।
चार टीमें सियाचिन को अपने कब्जे में लेने के मिशन के लिए तैयार थी। इंदिरा कौल, सियाला, बिलाफोंड लॉ और ग्योंग लॉ। अगला दिन बैसाखी का था। पाकिस्तान को इस दिन इंडिया के ऑपरेशन की कोई उम्मीद नहीं थी। 13 अप्रैल 1984 की सुबह चीता हेलीकॉप्टरों ने जवानों को ऊंचाई वाले इलाकों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। 30 जवानों ने बिलाफोंड लॉ को आराम से अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद बर्फबारी और तेज हो गई। 2 दिनों के बाद मौसम साफ हुआ। 16 अप्रैल 1984 को सियाला भारत के कब्जे में था। पाकिस्तान ने जून के महीने में ऑपरेशन अबाल बील लॉन्च किया था। दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड में गोलियां और मोर्टार दागे गए। पाकिस्तान को यहां बार बार मुंह की खानी पड़ी। अगस्त आते आते ग्योंग लॉ पर इंडियन आर्मी ने तिरंगा फहरा दिया था। अब पूरा सियाचिन भारत के कब्जे में था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब इन द लाइफ ऑफ फायर में लिखा, इंडिया ने हमें हैरान कर दिया था। हमें इस कदम की कतई उम्मीद नहीं थी। इसलिए दुनिया भर की जो सफल लड़ाइयां हुई हैं, उनमें ऑपरेशन मेघदूत का नाम भी आता है। ये अपनी तरह का एक अलग ही युद्ध था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने -60 से -70 डिग्री के तापमान में सबसे ऊंची पहाड़ियों पर जाकर फतेह हासिल की थी। पाकिस्तान के लिए हार काफी शर्मनाक थी। हमारे देश के ऐसे शूरवीरों को इंडिया फर्स्ट सलाम करता है। जय हिंद।